झगड़े के विवाद में पुलिस के सामने पिस्टल निकाल कर दी मारने की धमकी पीड़ित का आरोप। जबरन पुश्तैनी चरही गिराह कर नाली बंद करके झगड़े पर उतार हुए व्यक्ति पीड़ित को जान से मारने की धमकी दी। यह मामला है प्रयागराज जनपद के घूरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले चंपतपुर गांव की, जहां पर अखिलेश सिंह और उनके परिवार के द्वारा आए दिन झगड़ा किया जाता है। पीड़ित व्यक्ति ने बताया, नाली बंद कर दिया और पुश्तैनी चरही भी गिरा दिया। प्रधान द्वारा समझा बुझा कर दोनों पक्षों का फैसला किया, उसके बावजूद जबरन मारपीट और पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी दे रहा है, जिसकी शिकायत पीड़ित व्यक्ति ने थाने पर लिखित तहरीर देते हुए न्याय की मांग की। बताया जा रहा कि विवाद की शिकायत के बाद मौके पर पहुंचे एक सिपाही वहां पर कहासुनी के दौरान अखिलेश सिंह ने पिस्टल निकालकर लहराने लगा और जान से मारने की धमकी देने लगा। प्रयागराज से जिला क्राइम रिपोर्टर नरेंद्र यादव की खास रिपोर्ट। क्या मामला है दादा? अखिलेश सिंह पुत्र आसाराम सिंह आकर के आज दिन में हमको गाली दिया और उसके बाद रिवॉल्वर पुलिस के सामने भी रिवॉल्वर निकाल के तान लिया, मारने की धमकी दिया। उसके अलावा हमारा पानी बंद कर दिया है, वो जो साइफन में जाता है उसमें बोरा और ईंटा मिट्टी सब डाल दिया है। हमारी चन्नी को गिरा दिया जो कि पुश्तैनी बनी हुई थी। किस बात को लेकर विवाद हुआ था? वो रास्ता वो पानी के लिए लेकर के विवाद करता है, पानी हम कहाँ ले जाएं? इसकी शिकायत आपने थाने पे की है? हाँ, पानी उसका तालाब की तरफ जाता था और उधर वो ऊंचा करके हमारे तरफ पानी बहाता है। इसकी शिकायत थाने पे दिए हो? आज ही दे आए हैं। वहाँ से क्या बोला गया? वहाँ से बताया कि उसने भी एप्लीकेशन दिया है और आपने भी दिया है, ऐसो के नॉलेज में ये बात है। क्या नाम है, कौन सा गांव है? हमारा रामपाल सिंह नाम है, पिताजी का नाम स्वर्गीय मेवालाल सिंह। गांव ग्राम चंपतपुर, पोस्ट बगबना, थाना घूरपुर, तहसील करसना, जिला प्रयागराज।